10th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 फरवरी का, जी हाँ 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाने के लिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ, ये पेपर आपने सोल्व कर लिए तो गारंटी ले लूं मैं, ठीक है, डंके की चोट पर, ठीक है, 75 से 75 नंबर आपको आएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, ये सारे के सारे पेपर एक ही वीडियो में पूरे सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराएंगे। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया? तो देखिए नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं ना, 4 नहीं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो प्रगतिवाद के जो कवि है ना, रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो विनय पत्रिका है ना, तुलसीदास जी ने की रचना है। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए वीर का क्या होता है? उत्साह होता है, हमेशा रस का स्थायी भाव जरूर पीते। और 10 रस है, जैसे श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, ठीक है, तो इस तरह से ये वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का यदि हम असली नाम बताए तो वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए जैसा कि मैंने यहां पर बताया ही आपको, वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया, यहां पर पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव। आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरी जानकारी जो आपको दे रहा हूँ तो सारे पेपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया है आपका रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर ने बनवाई गई थी। कई अंकों वाली रचना को हम कहते हैं नाटक। देखिए नाटक जो होते हैं ना, अंक का मतलब होता है एपिसोड, जिन्हें हम इंग्लिश में एपिसोड कहते हैं ना, वही आपके नाटक है। तो कई अंकों वाली रचना होगी नाटक। आदमी जात का आदमी, ठीक है, तो ये जाएगा पतितों के देश में। प्रति एक, प्रति धन एक। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगा। योग का संदेश उद्धव, और पंचवटी का आपका जाएगा खंड काव्य। अब एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। भोलानाथ चिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संग। वात्सल्य रसों का के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी? कहानी। संधि 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल। यदि किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, असत्य है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, असत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये बात आपके असत्य। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, यहां से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये पहला है आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेखक ने देखा तो मन में ये कमी खटकी कि उनकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था। ये सवारी से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है। ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। बिस्मिल्ला खा को सहनाई का नायक क्यों कहा गया? देखिए सहनाई जो होती है ना, मंगली का अवसारों पर बनाई बजाई जाती है, जैसे जो हमारे खुशी का समारोह है ना, उन पर हमारी सहनाई बजाई जाती है। इसे मंगल ध्वनि, इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं। अर्थात तो वहां ध्वनि जो मंगलकारी हो, ठीक है भैया, मंगलकारी हो उसे अपन क्या कहते हैं? मंगल ध्वनि कहते हैं।
और यहाँ धोनी प्रातः काल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खान जीवन भर सहनाई की साधना में लगे। अब अगला है आपका, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो देखिए, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था, उस समय तन पर ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की जो भावना है उसने ही सुई धागे का आविष्कार किया होगा। धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े के पत्ते हो या कपड़े से तन ढकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई होगी। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से इसको देख लीजिए सॉल्यूशन को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत, ये भगत है ना, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद जो भगत है ना, वो 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे, उनके बाल सफेद हो गए, उनके बाल किस हो गए थे? सफेद हो गए थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। ठीक है, उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। ये आपका, ठीक है, ये आपका बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत की विशेषता है कि वो 60 वर्ष के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल सफेद हो गए थे, उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था, गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय देना है आपको। ठीक है, इनकी भाषा शैली बतानी है, रचनाएं बतानी, ये अपने एमपी बोर्ड में इतना ही आता है ना, कोई जीवन परिचय के अंतर्गत ज्यादा चीजें नहीं आती। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय ना, ये आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछता है ना कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या किया, ये एमपी बोर्ड में नहीं आता है अपने में। यहां से जब भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसको। रचनाएं देखिए, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भाषा शैली में अपन बात करें तो भाषा आ जाएगी, इनकी भाषा कैसी थी? व्यावहारिक थी, इनमें सजीव सरलता, ठीक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे, कहावतें, ये मुहावरे कहावतों से भाषा की सुंदरता आ गई है। चलिए आगे देखते हैं शैली। इसकी शैली की जो विविध रूप है निम्न प्रकार के हैं। वर्णात्मक शैली है, सबसे पहली क्या है? वर्णात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु अथवा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा ये, किसी वस्तु अथवा है ये, घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है, करते समय इस शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, भावात्मक शैली, इस शैली, यहां शैली इनकी प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता देखने को मिलती है। तीसरा है आपकी प्रतीकात्मक शैली, बेनीपुरी ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहा है। अब अगला है आलोचनात्मक शैली, तो बेनीपुरी की समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है भैया, अगला है आपका साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है? कि एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी का जो नाम है वो साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे आपका है यशपाल जी का, तो जैसा कि एमपी बोर्ड में ये आपका जीवन परिचय यहाँ से नहीं पूछता, रचनाओं से पूछता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रचनाएं देखिए, ज्ञानदान,
तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन, भाषा शैली। तो भाषा, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की, कौन सी भाषा में की उन्होंने? व्यवहारिक। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्द का देशज, विषेदे विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, और मुहावरे और लोकोक्तियों से आपकी भाषा में चमत्कार आ गया। शैली, शैली में क्या इनकी शैली, इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। वर्णात्मक शैली, यशपाल ने घटना स्थिति वातावरण आदि पर वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग तथा हास्य का व्यंग विधान किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो साहित्य में स्थान है इनका, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरणीय किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसमें आपका मुहावरा दे गया, अंधों में काना राजा तो मूर्खों में मध्य अल्पज्ञ। पांचवी पास, राजेश के गांव में सभी अनपढ़ है, इसलिए अपने गांव में वहां अंधों का काना राजा के समान। यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, इसका अथवा लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो प्रत्यक्ष अनुभव की घटित होने होते रहते देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगों की नवीनता, लघु मानववाद, प्रतिष्ठा। नई कविता के दो प्रमुख कवि है नरेश मेहता, कुंवर नारायण सिंह, हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय, इसमें ये अपने आप मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, यहाँ से पूछी जाएगी रचनाओं से, है ना। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, ये सब क्या है? तुलसीदास जी की रचना। यदि हम बात करें तो इनकी काव्यगत विशेषता होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं भाव पक्ष, है ना, भक्ति भावना। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति में असीम दैन्य, अनन्य आत्मा का समर्पण है, ये हो गया उनका भाव पक्ष में पहले भक्ति भावना। दूसरा जाएगा समन्वयवादी विचार, इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, राम भक्त होते हुए भी ये सभी देवी देवताओं को वंदना की। अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि 2 नंबर का आएगा सर, तो क्या इतना बड़ा लिखेंगे क्या? नहीं, फिर अपन क्या कर सकते, हेडिंग भी लिख सकते हो बस, लोक मंगल का भाव, रसों की प्रधानता। तो तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि एक तरह के, इन्होंने कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का अद्भुत चित्रण किया है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो रसों की प्रधानता हो गई, अद्भुत रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। कला पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा इसका भाषा, तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहां तहां अरबी फारसी को भी के भोजपुरी बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी इनमें मिल जाते हैं। चलिए तब इसके आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए छंद में तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा और सवैया, कविता आदि छंदों का प्रयोग किया है, है ना। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी शैली हो जाएगी और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में जो अगला है ना, वो आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना।
ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी मेरा इलाका है ना, यहां से ये तो अपने एमपी बोर्ड में आता नहीं है, यहाँ से रचना है। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, अनिमा है, बेला, आराधना, अपरा, गीत कुंज, नए पत्ते, जो जमे तीन चार याद रख लेना बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये काव्यगत विशेषता हो, अच्छा एक तो तरीका ये है, और शॉर्टकट तरीका ये भी आप लिख सकते हैं कि इनके काव्य में, यहीं से आगे लिख देना है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं, या तो फिर इस तरीके से आप लिख देना है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राष्ट्रीयता जाएगा। कला पक्षों की बात करें तो भाषा जो है भावों के अनुरूप इनकी बदलती जाती है, देश प्रेम तथा भक्ति परक की कविताओं में इनकी भाषा सरल है। शैली की बात करें तो निराला जी की दो शैलियां स्पष्ट है, उत्कृष्ट छायावादी, ठीक है, गीतों में प्रयुक्त लंबी तत्सम एवं द्रुह शैली तथा सरल प्रभाव रूप में प्रचलित उर्दू के लिए शब्द व्यंग की चुटकुली शैली, जो भी आपके में है ना। छंद, निराला जी के ने छंद के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं, आपने तुकांत एवं अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों में छंद लिखे हैं, मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया है। ठीक है, मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, आधुनिक कवियों में मुद्र महाप्राण निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है, वे मुक्तक के जनक थे, निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। चलिए यदि हम आगे की बात करें ना, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है ना वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन से व्यंग नहीं थे। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वो नहीं पा सके, इस कारण गोपियां जो कहते हैं उन्हें भाग्यहीन मानती है। ठीक है, यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है, विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ होता है भाग्यहीन। संगतकार किन किन रूपों में गायक गायिका की मदद करता है, अकेलापन के असहास को बचाते हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि केवल यही आपके लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आपकी बार 90 पार, जिन बच्चों ने वास्तव में 90 पार का सपना बनाया रखा है कि हाँ हमें 90 पार ही जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य में क्या होता है पात्रों की संख्या अधिक होती है, इधर पात्रों की संख्या कम होती है, जब इसमें पात्रों की संख्या अधिक है तो बड़ा आकार रहेगा, छोटा आकार रहेगा, इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है ना। थोड़े से और बिंदु आप लिखना चाहे तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से लिख लेना आपको, कि ये देख लीजिए, महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है, खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं है, उदाहरण रामचरित मानस और जानकी मंगल, यहीं से आपको पूरा कर लेना है, ये लो स्क्रीन शॉट। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव जो होते हैं ना वो क्या है, वास्तव में जो हमारे रस होते हैं, रस बोलते हैं ना अपन, श्रृंगार रस, ठीक है, हास्य रस, करुण रस, ठीक है, करुण रस के बाद में आपका भयानक रस हो गया है, ये जो रस है इन सभी के स्थायी भाव है, तो 10 रस है और 10 ही के स्थायी भाव यहाँ पर, और संचारी भाव जो है वो 33 माने गए हैं। ठीक है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, यहाँ स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान है, यहाँ कुछ समय रेखा समाप्त हो जाते हैं, संचारी भाव के कोई अंग नहीं है और इनके स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव संचारी भावों को जगाते हैं लेकिन ये नहीं जगाते, ये आप बढ़िया से सिंपल सिंपल है, ज्यादा कोई डिटेल पढ़ाने की जरूरत इनको नहीं है, ये आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें आगे की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है आपका दोहा छंद की परिभाषा, और दोहा में क्या होता है, चार चरण होते हैं जिसमें से पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं रहेगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं रहेगी, यानी ये आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, उदाहरण है, रईमन पानी राखी है, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे, मोती माने सुन,
जो भी आप जो दोहा रहे ना कोई सही दोहा लिख सकते हैं, ठीक है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहां से देख लीजिएगा आप, करना कंप्लीट है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से रहेगा, ठीक है भैया। अगला देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो दो यहाँ पर है, ये तीसरा अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे चार अंतर करिएगा आप, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर है ना। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप, ये संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर है आपका। ये यहाँ पर बच्चों ने दो ही अंतर लिखे, आप चार अंतर कम से कम करिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो देखिए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी रहेगी है ना, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे। यहाँ से आप पहले तो एक बार है ना स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से पेपर का, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, और ये 20 रहेगा। देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 या 20 का हुआ, ये आपका 21 है और 22, और अंत में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 रहेगा है ना। ये आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का आपको स्क्रीन शॉट दे देता हूँ, ये बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आपको ये प्रसंग हो गए, ये व्याख्या हो गई, ठीक है। पहले स्क्रीन शॉट इतना दो हिस्से में ले और बचा हुआ ये लो। अब ये इसका थुआ वाला है, ये इसकी व्याख्या है, ये राष्ट्रीय एकता पर आपको अनुच्छेद लिखना था, यहां से देख सकते हैं। और आतंकवाद पर दो दोस्तों के बीच में यहां पर आपको संवाद लिखना है, ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है, हो गया इतना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं यहाँ से, हो गया इतना प्रसंग, ये व्याख्या है, ये इसका तो अभी इसका ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना उसमें आपका निबंध रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये है ना, इसमें आपको ठीक है आप पढ़ेगा ध्यान से, ये रहा आपका, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना आपको है ना। इसके बाद में ये यहाँ से है इसका, ये इतना इतनी चीजें। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो भाग्यवाद का है एक, और उसमें ये भाग्यवाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका है ना। अब हम देखिए सेट बी, इसको समझते हैं, बढ़िया से सॉल्व कराएंगे इसको भी, जिस तरह से पहले पेपर बताए हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुंज होते कितने प्रकार के होते, तो तीन प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर शिक्षक ना भूल गए, अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय जी। सूर सारावली का क्या नाम है, सूरदास जी। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, यहां से देखिए आप, चौपाई में 16 मात्राएं होती, कितनी 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त और गोदा था, ठीक है। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट किसे कहा जाता, शेषंगा प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक आ जाएगा, क्रिया का के परिणाम का बोध। हीरो शिवा
रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जय शंकर प्रसाद का जन्म स्थल, और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, वो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, जैसे आप कहते ना अपन, ठीक है, बड़ी अचानक नदी पार के घोड़ा कैसे पुत्र पार, धाना ने सोचा इस पार पक्षे पीखा उस पार, इसको मतलब क्या, यहाँ पर बातों को क्या बड़ी चढ़ाकर कहा है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहा जाता है, ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, जितेन नारगे। भयानक रस का स्थायी भाव था भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो वो है छायावाद के लेखक। सत्य और असत्य, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है असत्य है। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है। हीरो सेवा बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, वो ग्रस्ती थे, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को कौन कौन सी विशेषताओं को प्रभावित किया, तो ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको, ठीक है, कॉपी के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, आप तो बढ़िया से मेहनत करना है। ये देखिएगा यहाँ से ना, चलिए घबराइए मत आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करिए, जो चीजें बता रहे हैं ना उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, बाकी बहुत सारी चीजें आपको अनावश्यक चीजें जो नहीं पढ़नी है, और अच्छे से तैयारी करिएगा। अब की बार 90 पार, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 90 से ऊपर, मेरी जवाबदारी है ना कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो घबराइए मत, 90 के पार अपन लगाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए, ठीक है, गाने बैठ गए, और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय रोने का नहीं, वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषता है। देखिए अहंकार तथा बनावटी उनका जो जीवन है उससे दूर थे, ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखे हमें, ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन, सादा जीवन नहीं है ये ना, ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है, ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बढ़िया साहब, तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। इतना पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें सब है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय, चलिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये अपने एमपी बोर्ड में यहां से आता है रचना उसे, ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी, हो गया इतना, इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहां से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का, ये आपका जीवन परिचय इतना है, यहाँ से करना है कंप्लीट, रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा क्या देखा,
ठीक है, यदि बाबा ना होते रेलगाड़ी की टिकट बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली और यहां से देख लीजिए भावात्मक शैली और साहित्य स्थान। आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके इनके सहयोग के लिए इस हिंदी साहित्य ने सदाई स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें, तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो हो गया यहां से, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको एक तो मंगलेश डबराल, तो ये मंगलेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता से पूछता है, रचनाएं कला पक्ष हो गया। यहाँ से ये साहित्य में स्थान, और मंगलेश डबराल के बाद में एक और है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया, ये इनकी रचनाएं हो गई। यहाँ से हो गया ये कला पक्षी है, ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है, क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते, वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है, यहाँ से देख लीजिए, तो पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला। ठीक है, ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दी, तो जहाँ पर नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को देख काव्य को देखने में सुनने में पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना यहाँ पे लिखा, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतराल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी और दूसरी लाइन में वाली रानी थी, ये इस बात तो है ना आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उदाहरण की बात करें दोहा का कोई कैसा देख देना, श्री गुरु चरण सरोज रंग में, ठीक है, ये पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, अगला आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, थोड़ा सा बड़ा लिखना है यहाँ पर, बच्चों ने दो लिख दिया, जैसे सर्च करोगे तो कंप्लीट कर मिल जाएगा ना आपको। ये एकांकी किसे कहते हैं, दो एकांकीकारों के नाम और उनकी रचनाएं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसके बाद में ये अथवा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 से आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट दे दें,
है ना। यहां से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये। हो गया। उसके बाद में ये हो गया भैया। तो ये अपन ने मेरे आपका उस क्वेश्चन 18 से बता दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया है, यहाँ से करना है ना ये, यहाँ से ये, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। ये देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद में ये हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो अब हम है ना सेट सी, हिंदी का जो पेपर आपका चल रहा है उसमें सेट सी समझेंगे। देखिए हर एक पेपर में आपको बढ़िया से सोल्व करके बता रहा हूं, अब आपकी जवाबदारी कि आप इन्हें अच्छे से सोल्व करें और अच्छे से कंप्लीट कर। देखिए मैं पेपर बता दूंगा, याद आपको करना पड़ेगा, लिख के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाते था? भाई साहब मैं तो नहीं लगाता था, कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। ठीक है, दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना है तो मधु कांकरिया जी की होगी। यदि हम बात करें तो रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है 1643 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। और यदि हम बात करें आगे तो ये कौन सा अलंकार है? तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए पंचवटी में आपका दिगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामयानी जो है एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? वो भटियार खाना। इसके बाद है सही जोड़ी। नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं, यानी कई अंक वाली जो एकांकी होती है ना वही नाटक बन जाती है, कई अंक वाली। यशपाल जो है वो उसका जाएगा आपका लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अनुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। काव्य की आत्मा रस। हो गया इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा यथाशक्ति में समास? अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस रहेगा? वीर रस। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, असत्य बात है। लेखक भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो सकती? नहीं। ठीक है, यह असत्य बात है। फसल जो है हजारों मिट्टी का गुणधर्म है, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है।
बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, सत्य। काशी में हो रहे परिवर्तन, बिस्मिल्ला खां को किस प्रकार व्यतीत करते थे, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा। चलिए तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन है ना अच्छे से कॉपी में कंप्लीट करते हैं, है ना भैया। ये देखिए पूरा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहां से पहला क्वेश्चन आएगा, है ना भैया। चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है आपका, काशी में हो रहे परिवर्तन, बिस्मिल्ला खां को किस तरह व्यतीत करते थे। देखिए काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना, बिस्मिल्ला खां को व्यतीत कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरिया मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही, कमी हो रही है। गाने वाले में संगीत के प्रति जो अदब था अब वो भी समाप्त हो रहा, इसलिए बिस्मिल्ला खां व्यतीत हो रहे। यहां से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार कराए बच्चों के द्वारा, ठीक है। अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए, है ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है भैया। आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए, ठीक है। मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया, एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो भगत की जो पुत्रवधु थी ना वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी, ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए, यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें, तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको, ठीक है। हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना वो आपसे है ना जीव जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सज, देश द्रोही और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला देखते हैं अपना,
ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में, और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जय शंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। कामयानी, लहर, झरना, आंसू, करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद की, ये जनक ही माने जाते हैं, पढ़ लेना आप थोड़ा थोड़ा, सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का, तो सूरदास का ये रहा। हो गया, इसके बाद में ये यहां से रचनाएं देखिए, सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए भाव पक्ष में, हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कभी ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 15, रुद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहां से लिख लेना है, बच्चों ने नहीं लिख पाए तो ये प्रश्न आप कर लेना कंप्लीट, मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको, ठीक है। ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये यहां से ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 21, 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या, हो गया।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था। चलिए ये आपकी अवकाश लिखनी है क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए अब जिस तरह आपने पूरे आगे के पेपर समझे उसी तरह है ना सेट डी को भी अच्छे समझते हैं ना। बिल्कुल सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ए से लगा के एफ तक। बिल्कुल आप तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है ना। चलिए बाकी जिस तरह पढ़े अपने इसको भी अच्छे सोल्व करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? डुमराव में हुआ था। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती? तो तीन प्रकार की होती है शब्द शक्ति। और अज्ञेय जी जो है ना मैं क्यों लिखता हूं के लेखक। बिहारी किस काव्यधारा के कवि है? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की है। अगला है संधि। संधि जो है वो उसके कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई कविता वली तुलसीदास जी की रचना है। यदि हम बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास छह प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्ला खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को समझते हैं। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद मिलान हो जाएगा। भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अनुबम विस्फोट विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर चौपाई छंद। ठीक है भैया, चलिए अगला आप देखते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण होते तीन प्रकार के। कोई दो लोगों की ओर लिखिए। ठीक है भैया, तो यहां पर इसको आप लिख देना है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी? तो रेल गाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी। आपके पाठ्यक्रम में जय शंकर प्रसाद की रचना है आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33। नाटक में कितने अंक हैं? एक से अधिक अंक, यानी अनेक अंक बोल सकते हैं आप। ठीक है भैया, चलिए तो अब अगला देखते हैं। और अगला है आपका सत्य और असत्य। यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, बिल्कुल। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय जी की रचना है, सत्य है। परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, नहीं डरे थे बल्कि उन्हें तो तड़ाक धड़ाक उत्तर दे रहे थे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह सत्य रहेगा। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, सत्य। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं आपको कॉपी में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन को अच्छे से। यहां से देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? क्योंकि रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, हो गया। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे?
खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चरित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, वे ग्रस्त से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से दो टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया, अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए, यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको, ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना, रचनाओं से करना है, आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है, देखिए भाषा हो गई है इनकी शैली, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से, जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे, ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में, ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यशपाल के लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये भाषा, बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है, और आगे आप आगे आपकी मर्जी नहीं करो तो, ठीक है, ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा आपको, ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका थोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 11 अथवा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है, दो रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा कला पक्ष है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना, अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से और साहित्य में स्थान, ठीक है, इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है, ठीक है, ये हो गई रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना बच्चे प्रॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 14 यहां से देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दो प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा होगी और वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कहोगे तो भी। छंद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संश स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र संश स्मरण में अंतर तो बड़े अंतर आ जाएंगे, चार अंतर वो करना है आपको, है ना, दो नहीं, है ना, यहां से देखिएगा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए,
ये देखिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बढ़िया से देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 के बाद में आपका रहेगा यहां से क्वेश्चन नंबर ये 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। तो ये आपको कंप्लीट करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहां से हो गया आपका, ये यहां से। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। चार चार नंबर के और तीन तीन नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा, ठीक है। ये यहां से संवाद है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये यहां से है व्याख्या और ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप कर लेना कंप्लीट, ये पत्र मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है भैया। तो ये यहां तक का आपका हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका क्या है, निबंध रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना उसमें ये इस तरह का है। अब देखिए हमारा जो हिंदी का सेट ई है, इसको अच्छे सॉल्व करते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करा रहा हूं मैं, एक एक चीजें आपको समझा रहा हूं। अब आपका कर्तव्य है कि आप इन्हें अच्छे से समझो। लखनवी अंदाज किस पर व्यंग किया गया है, पतनशील नवाबों पर। दशानन में समास, बहुव्रीय समास। गंतों का मतलब होता पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा प्रयोगशीलता पर। उत्साह जो है किसकी रचना, निराला जी की। करुण रस का स्थायी भाव हो गया तो शोक। रेडिडेस में क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो यहां पर जाएगा रीतिवाचक, ये जाएगा रीति अज्ञे। हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी, यह रेलगाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, ईद का चांद होना। भूख है टांग के आविष्कार के पीछे, अब यहां पर देख लीजिए ये गलत है, ये है आग के आविष्कार के पीछे, ठीक है। तो देखिए आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहां पर हम लिख देते भूख और ठीक है। चलिए अब है जोड़ी, और जोड़ी ध्यान से समझना है ना, क्या है बोल रहा है, प्रसिद्ध स्मरण संत स्मरणकार। तो प्रसिद्ध जो संत स्मरणकार है वो है महादेवी वर्मा, क्या है महादेवी वर्मा। तो ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा पहले का। दूसरा है महाभोज, महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद, दोहा छंद आ जाएगा, हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर, ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, और पहला है एक वाक्य में उत्तर
माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरेन भाई पुंजे, यहां पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भाई कुंजे, ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है, अज्ञेय जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी, किसके पानी का जादू है? नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य है। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार, या वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, आग की खोज ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। रस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पड़ना, सॉरी रंग में भंग पड़ना। भोलानाथ अपने साथी बच्चों साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है? प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए? प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीति काल की प्रसो श्रृंगार काल क्यों कहा गया? जय शंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा न सोए रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला के काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि देश प्रेम के भाव से भरे के पंच चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से। आप थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आसानी से। जी हो गया है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहां पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है और विशेषकर हमारे MP बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई।
ठीक है, और बस भाषा से लिए पूछते हो, साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो। अब ऐसे मैंने पहले पिछले वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए दो रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी, मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है दो रचनाएं, भाषा शैली हो गई, ये हो चुका है, इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसके बाद में ये अथवा। हो गया, अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए, एक तो दो रचनाएं पूछी उनकी, ठीक है, भाव पक्ष पूछा है, ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से, मैंने कहा ना भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए ना, ये नहीं कि उठा के ने चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए कि अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। हर साल अपन प्रगति पर ही है, और अब की बार मैंने बोल दिया 90 पा, ठीक है। आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें, तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसने बड़ा किया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां से अथवा, ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न, हो गया। बिनुपद जनी सुनहि बिनु कहो, चलिए तो अब हमारा है ना सेट एप को हम अच्छे से समझते हैं, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, बस आप तो याद करो, ठीक है। डरो मत, डरना थोड़ी है यार, है ना, ठीक है भैया। चलिए, लेकी का मुन्नू भंडारी के पिता का सवाल, शक्ति रोधी थे और शक्ति थे, बहुत ज्यादा शंका करते थे भाई, ठीक है। हमें तो जमाने में होता तो दो जूते देता, ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि होती, तो स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया, बताओ को। नई कविता के कवि कौन से, गिरिजा कुमार माथुर, पहाड़ पर लालटेन, मंगरेश डबराल, और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा कोई बात करेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार कही जाएगा, ठीक है। क्रिया का जो संबंध है वो होता है, तो आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आकर्मक क्रिया, ड्राइवर कम गाइड का जो नाम था वो तो क्या था, जितेन नारगे, ठीक है भैया। इसके बाद में प्रेत का बयान के कवि का नाम क्या है, नागार्जुन, तीसरा आपका नागार्जुन रहेगा। और अतिशयोक्ति अलंकार चौथा जो है, सॉरी चौथे था ये, और पांचवा आ जाएगा आपका,
वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह, और छठा जो है इसका जाएगा आपका सेकेंड क्लास। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। और अब है सही जोड़ी, यहां से देखिएगा, है ना, आप तो बढ़िया से सही जोड़ी करेंगे। पहला है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में, और माता पिता, माता पिता का जाएगा आपका द्वंद समास। ठीक है, माता पिता का जाएगा द्वंद समास। चौथा है मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट, 24 मात्राओं वाले छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। अगला देखते हैं, और अगला है आपका प्रसाद गुण का एक उदाहरण देना है। उठो लाल अव आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में भी आएगी। और जिन शब्दों से होने या करने या होने का बोध होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं क्रिया। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक से पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है, संगतकार। ठीक है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है, दोहा में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, एकांकी। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए सत्य सत्य है। पहला है स्थान वाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। पर परवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चढ़ाना शुरू किया, तो ये भी असत्य है। चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, और छठा आपका असत्य रहने वाला है। यहां से देखिए बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई, वहां कौन सी घटनाएं जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास और विश्वास पाया ना कानों पर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, यतेंद्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य परिचय देना है। महादेवी वर्मा, सॉरी, निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आपकी बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक यूं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूँ ना उनको आप कंप्लीट करो, बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले, तो है ना, फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज, भले है ना, किसने मना किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषता है। रीति काल के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं देना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता है निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है, बच्चे मुस्कान की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। आगे बढ़ते हैं, और खंड काव्य किसे कहते हैं, दो खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी मानी गई है। कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है, बढ़िया से ना,
बढ़िया से, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी लाएगी ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला, हो गया। यहां से देखिए बीएससी लखनऊ बोले मर्दोबानी अहो मुनिस महाभटमानी पुनी पुनी मोय दिखाओ कठारू चहत उड़ावन फूकी पहरू यहा कुडंब बतिया कहु नाई जे तर्जनी देखी मर जाई। इसका संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा आप, स्थातर प्रमाण पत्र का आवेदन लिख रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो बच्चों के द्वारा तैयार कराया कोचिंग में मैंने, तो जो उन्होंने ठीक है उनको बताया है वही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, ये इसके अथवा वाला है। ये देखिए अब यहां से देखिएगा यतेंद्र मिश्र की जो रचनाएं हैं ये बच्चों ने नहीं लिखी, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की देखिए दो रचनाएं और भाषा शैली। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बदलना है। समास विग्रह जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री में आप खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। माकता का आंचल पाठ में यहां से देख लीजिए प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहां से देखिएगा ये अथवा वाला है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, खंड काव्य किसे कहते हैं। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक भयानक रस का उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा समझाइए। संचारी भाव किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है यहां से देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को। यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 बाल गोविंद भगत के ऊपर है, ऊपर से है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में यहां से 21 और ये 22 और अंत में ये रहेगा आपका 23। ठीक है तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन से अपन अच्छे से इसको संदर्भ से व्याख्या देखते हैं। फिर इसके बाद में यहां से ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या।
इसके बाद यहां से देख लीजिएगा, ये अथवा है और ये व्याख्या, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, है ना। चलिए अब आगे जो है ना, मैं आपको गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं उसको सिखाते हैं। एक गद्यांश का तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसके तरीके से आप पूरे याद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल रहता है। देखिए पद्यांश में थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ता है, इसमें से तो बहुत टिप के लिखना है, बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, आप तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूं जो कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए पहले से जो दिया गया है ना गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, हाँ गाते गाते कभी अपनी पोतों के नजदीक भी और जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी है। तो आप जैसे पाठ आपको पढ़ा होगा, तो ये जो पाठ है ना, ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत नामक पाठ है और इसके रचयिता है राम वृक्ष बेनी पुरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपना बेटा जो मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसके शव पर आसन लगा लेकर बैठ जाते हैं और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। हाँ गाते गाते अपनी बहू के पास कभी कभी जा रहे हैं और उसे कहते हैं कि रो मत तू, उत्सव मना। ये तो क्या है, ये तो खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। एक एक जो जीवात्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गई है, ठीक है। जो दुखी दुखी आत्मा थी, दुखी प्रेमी थी, वहां अपनी जो दुखी प्रेमी प्रेमी थी, यानी कि अपन बोल सकते दुखी रहने वाली जीवात्मा अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल रही है, भला इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही हो। ये बातें अपने अपने बहू को कह रहे हैं। कभी कभी तो कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, आगे लेखक है यहाँ पर, है ना, लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण पागल हो गए, ये लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पागल तो नहीं हो गए, किंतु वह नहीं, वहां जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वहां चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर से विजयी होता आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु की उसकी बातें सुनकर पागल जैसे हो गए, लेकिन ये मेरा सोचना गलत है। उनका जो दिमाग है नहीं, वो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा विश्वास बोल रहा है कि जो, ठीक है, परमात्मा रूपी शब्द को जान लेता है वो इन सब सांसारिक मोहमाया से विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कह रहे हैं उनमें उनकी आस्थाएं प्रकट हो रही है, ठीक है, वहां आस्था जो सदैव मृत्यु को भी पराजित कर देती है। इससे स्पष्ट यहाँ है कि वे सत्य ही कह रहे हैं। तो ये देखिए ये तरीका है, पढ़ो समझो उसी शब्द को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है भैया, थोड़ा सा तरीका अलग कर लो, अच्छे से पढ़ो और अपने अनुसार उसका व्याख्या सॉल्यूशन कर लो, ठीक है भैया। तो ये अपन संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आपका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद नामक भगत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या है, राम वृक्ष बेनी पुरी है। प्रसंग की बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत की मान्यता में पक्का विश्वास प्रकट है, ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी मैंने बताई दी है, ठीक है भैया। ये तरीका है करने का, क्योंकि अपन ने सारी चीज आपको सॉल्व कराए, समय ज्यादा ना हो इसलिए अपन यहाँ पर आपको एक तरीका हिंट दे दिया, ये कर सकते हैं, सिंपल है। हाँ ध्यान से जो मैं आपको अच्छे समझा दिया है देख लीजिएगा, है ना। चलिए ये गद्य खंड हो गया है, यहाँ से इनको कंप्लीट करिएगा। आप तो जो लॉन्ग वीडियो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से बाल गोविंद भगत वाला है, इसके बाद में हम बात करें
ये यहां से बिल्कुल तरीके से ना समझो, ध्यान से पढ़ो और करो कंप्लीट, कुछ भी दम नहीं है इसमें आना। इसके बाद में यहां से ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से तीसरा देखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो किसी के पास नहीं है तो, यदि है तो इसको याद कर लो बस, है ना। चलिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट मेरे को बतानी है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप, तो ठीक है। ये यहां से वो क्या है, वो है आपका यहां पर, ये पूछता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है, तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। ये ध्यान देना, ये शब्द आप नोट कर लेना है ना, एक कॉपी में लिख लो लगी। नेताजी का चश्मा क्या जाएगा, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के रचयिता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुर। ध्यान से सुनिएगा, है ना। दो हो गया है, दो के बाद में यहां से ये लखनवी अंदाज का क्या जाएगा, यशपाल है, लखनवी अंदाज का यशपाल, ठीक है। एक कहानी यहां भी इसके क्या जाएगी, मन्नू भंडारिया जाएगा, है ना। इसके बाद में नौबत खाने की इबादत यतीन्द्र मिश्र का जाएगा, हो गया। और संस्कृति का क्या जाएगा आपका, भनंद आनंद कौशल्या ने जाएगा। इतना चीज है, क्लियर है भैया। अब यदि बात करें ठीक है इधर से, तो ये भी आपको करना है यहां से पद ध्यान से, भी है ना। सूर के पद, सूर के पद का क्या जाएगा, सूरदास जाएगा, है ना। राम लक्ष्मण परशु राम संवाद, ये राम लक्ष्मण परशु राम संवाद में जाएगा तुलसीदास। इनके रचयिता कौन है, तुलसीदास है। आत्मकथ्य जो कविता है इसके रचयिता कौन है, जय शंकर प्रसाद है, ठीक है। उत्साह के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। और अट नहीं रही, दो है इनकी कविता यहाँ पर आपकी बुक में, उत्साह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेगा, नोट कर लेना है ना। फिर है आपका दंतुरित मुस्कान और फसल का नागार्जुन, फसल भी आ जाएगा तो नागार्जुन और दंतुरित मुस्कान भी आ जाएगा तो है ना नागार्जुन आ जाएगा। संगतकार का जाएगा मंगरेश डबराल, ठीक है मंगरेश डबराल। तो ये गद्यांश और पद्यांश के आपके लेखक और कवि परिचय का नाम, जो कवि का नाम है वो आपको अच्छे से आता है ना। चलिए अब आगे है आपका आपठित गद्यांश, ठीक है। मानव का आकारण ही मानव के प्रति उदार हो उठना ना केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। इसका मतलब क्या है, मानव का आकारण का मतलब होता है बिना कारण, क्या होता है बिना कारण के, बिना कारण के किसी भी दूसरे मानव के प्रति ठीक है अनुदार होना यानी कि क्रोधाना उसके प्रति छलाना कपटाना, ये केवल मानवता के लिए लज्जा नहीं है बल्कि गलत भी है। वस्तुता वास्तव में यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है और करना भी चाहिए। क्यों कि केवल इसलिए नहीं कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है ठीक है, कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वहां ग्रहण का पात्र तो दूर उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य होना चाहिए कि वहां मानव है और भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो यदि हम बात करें इस गद्यांश के सारांश की उपयुक्त शीर्षक, देखिए कोई भी आपटित गद्यांश को सोल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने के बाद में जो चीजें बार बार आप यूज करें किसके बारे में बात कर रहा है वो टाइटल हो गया, टाइटल ने की शीर्षक ठीक है। तो यहां से यथार्थ मनुष्य इसका शीर्षक बनेगा। अब अगला क्या बोल रहा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, यहां पे दिया गया है ये
जो वास्तुता मनुष्य वही है, यथार्थ मनुष्य जो मानवता का आदर करना जानता है। अब हिंदी है ये, इंग्लिश होती तो भैया यहाँ से टिप का धरते ना, टिप की धरते, ठीक है। तो अब हिंदी में तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता आदर करना जानता है, ठीक है। इतना कर लोगे, कर पाओगे? यहाँ से मत करना वस्तुता यथार्थ मनुष्य, नहीं तो यहाँ से आता क्यों? ये प्रश्न के अकॉर्डिंग बोलो, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। इस गद्यांश का सारांश लिखिए। देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है। देखिए मानव जो होता है ना, हर किसी प्राणी के लिए ठीक है सम्मानजनक है। क्यों? क्योंकि मानव जो है भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किसी भी मानव का के प्रति, दूसरों मानव के प्रति अपने को क्या करना है? उदार नहीं, भावना नहीं रखनी है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अपन देखते हैं। मनुष्य का अकारण ही प्रति किसी दूसरे प्रति के प्रति अकारण अनुदार होना नहीं चाहिए। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता। किसी मनुष्य के बुद्धिहीन या दरिद्र होने से उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। सिंपल है, ठीक है। यहां से अपन आप देखिए सारांश जो है, सारांश को करने में क्या करना है, जो चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पर उसका सार बता दो। सार यही है कि मनुष्य को बिना कारण के दूसरों के प्रति कोई भी ठीक है द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये लज्जाजनक है और गलत भी है। मनुष्य तो हर एक मनुष्य, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सब क्या है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है, ठीक है। कोई बुद्धिमान है तो उसका आदर करे, दरिद्र है तो उसकी घृणा करे, ये बात गलत है। तो ये इसका क्या हो गया, सारांश हो गया। इसी तरह आप यहां से देख लीजिएगा, ये रहा सारांश कि मानव का अकारण ही किसी के प्रति अनुदार नहीं होना चाहिए। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करे। किसी मनुष्य के बुद्धिमान या दरिद्र होने से उसे घृणा का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अगला क्या है आपका, कि सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसे मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित है, जिसमें ठीक है, और व्यक्ति की शक्तियां जीवन के विभिन्न दिशाओं को उद्घटित करने वाली भले ही, किंतु समष्टि के साथ वह अपनी संवेदनाओं में एक हृदय बनकर स्पंदित हो, पारस्परिक सहयोग व समन्वय के साथ सहानुभूति हो, तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, सामाजिक समरसता। क्या बनेगा यहाँ पर, सामाजिक समरसता बनेगा। यदि हम बात करें सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो ये यहाँ पर लिखा है, ये सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने के लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का ठीक है आधार है। तो ये पहली लाइन से किसी टिप पे लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो पारिवारिक पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ, यहाँ पर लिखा है लास्ट, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति, तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता विरोध में है, किंतु वास्तव में यह क्या भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर हमें बाई तरफ चलना चाहिए, किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं, ये ठीक है चल सकते हैं, जिससे हम अपने प्राण को संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं साहब। विद्यार्थी जीवन में तो विद्यार्थी जो है भारत के भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, उन्हें अनुशासन और गुणों का अभ्यास तो अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम यदि गद्यांश का शीर्षक की बात करें, तो देखिए शीर्षक है अनुशासन और विद्यार्थी। थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, है ना, नहीं तो डिटेल ही पढ़ाता हूं अच्छे से।
अब गद्यांश का जो सारांश है, सारांश का मतलब क्या होता है, इसका सार, सार यही है। तो देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है, प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है उसमें अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की भी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अपना जीवन तो सुरक्षित होता ही होता है, जैसे अभी बताया सड़क पर चलते हैं हम, स्वतंत्र है भाई साहब, हम बीच में भी चल सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन से रहेंगे यानी कि साइड से चलेंगे तो क्या है, हम स्वयं की तो जीवन सुरक्षित ही रहता है और दूसरों का भी। तो भविष्य के आशापुंज विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए क्योंकि वे ही तो हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, ठीक है। अगला है क्षमा शास्त्र पृथ्वी का गुणधर्म है, क्षमा वीरों का भूषण है। मनुष्य से अस्वाभाविक रूप से अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है, हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी है, यहाँ निर्दोष कोई भी नहीं है, इसलिए परस्पर क्षमा भावना अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव से क्रोध, हिंसा, संघर्ष, साम्राज्य छा जाएगा, कोई भी स्वीकार, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है। माता पिता गुरु को सभी को समाशील होने होते ही है, मानव जीवन में क्षमा के अवसर आते जाते रहते हैं, क्षमा के अभाव में मानव जीवन चलना दुभर हो जाता है। अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आदि देवी गुण है, ये गुण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है, सटीक शीर्षक है क्षमा भावना। सारांश क्या है, सारांश क्या है कि क्षमा पृथ्वी का गुण और धर्म का, धर्म और वीरों का भूषण है। मानव स्वभाव से ही अपराधी होता है, यदि क्षमा भावना नहीं होगी तो क्रोध, हिंसा और संघर्षों का बोलबाला होगा जो मनुष्य को स्वीकार नहीं होगा। माता पिता गुरु तो आदि क्षमाशील होते हैं, बिना क्षमा के मानव जीवन कठिन है, अतः यहाँ गुण आधे का मनुष्य के लिए आवश्यक है। अच्छा अब समाज क्षमा के अभाव में क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है अगला। देखिए क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है, तो क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। सिंपल, एक एक बार बच्चा पढ़ता है तो कंप्लीट कर सकता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी तो आप ये सारी चीजें आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से अपने को करना है, हो गया इतना। ये इसके बाद में यहां से है, जहां से देख लीजिएगा, करिएगा, कंप्लीट करिएगा ना, पढ़िएगा बिल्कुल, एक एक दो दो बार पढ़ो जिसमें समझ में आएगा पूरी चीजें। देखिए अब अगला देखिएगा आपटित काव्यांश है, चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका आपटित गद्यांश के अथवा में आएगा, ठीक है, कोई सा भी एक करना है आपको, हो सकता है वो नहीं फंसेगा तो इनमें से फंस जाएगा ना। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यदि आप नर हो, मनुष्य हो, मनुष्य का जन्म मिला है, तो निराश मत करो मन को और कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम, यानी आप इस जगत में रह रहे हो तो अपना ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे आपका नाम रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे यह व्यर्थ ना हो। ये जो जन्म हुआ है बिना किसी अर्थ के कारण नहीं हुआ है, ठीक है, इसको समझो और फालतू में व्यर्थ टाइम बर्बाद ना करो। कुछ करो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को, ठीक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, देखिए मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराशा त्याग कर आदमी किसी को भी काम, किसी भी काम में लग जाना चाहिए, ठीक है, हो गया इतना। आदमी का जो जन्म का उद्देश्य किस उद्देश्य से हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा ना, यहाँ जन्म किस अर्थ आहो, समझो यहाँ व्यर्थ ना हो, यानी ये जो विषय आदमी का जो जन्म है ये किसी विशेष कार्य के कारण हुआ है, इसे व्यर्थ ना गवा कर विशेष कार्य करना ना है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जन्म हुआ है। और उपयुक्त गद्यांश का या उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताइए, नर हो ना निराश करो। चलिए अगला क्या है, तुम धरती के पुत्र हो ना हिम्मत हारो, तुम इस धरती माता के पुत्र हो, तुम कभी हिम्मत मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो,
श्रम की जो पूंजी है उससे अपना क्या करोगे, काम संवारो। ठीक है, श्रम की सीपी से में ही वेदव धुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है, मिट जाता है दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती नव दीप्त धारा के कण में, जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। अपने कर्म का पथ पर मार्ग पे करो, पढ़ो जिसमें याद हो रहा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा समझो, काव्यांश का भाव समझाइए। ठीक है, तो इस काव्यांश का जो भाव है ना वो ये है कि मनुष्य को निराश ना होकर साहस के साथ मेहनत करके कार्य को संभालना चाहिए। क्या बोला है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, साहस के साथ मेहनत करना चाहिए और अपने कार्य को संभालना चाहिए। ठीक है, परिश्रम और से संपन्नता और स्वाभिमान प्राप्त होता है, सारी हिंसा मिट जाती है, नई क्रांति आ जाती है, अतः हमें आलस्य को त्याग कर कर्म मार्ग पर लगना चाहिए। अब जिन बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल डरो मत, आप बिल्कुल करो, डर क्यों रहो। देखिए ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी तरह ही कमजोर थे, आप स्वयं को यदि इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो अच्छी बात है, कमजोर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कोचिंग बनाता हूँ। ठीक है, यदि आप इन बच्चों की तरह परसेंटेज वास्तव में बनाना चाहते हो तो जो बता रहा हूँ ना उसको याद जरूर करिएगा, ये भी खुद को स्वयं कमजोर मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप स्वयं कमजोर नहीं हो, तुम स्वयं को जान लो, तुम ब्रह्मा का ही अंश हो। ठीक है, तो स्वयं को पहचानो, बहुत आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पततर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल। ये देखिए उपेत गाद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर है भाग्यवाद आवरण पाप का। पाप का आवरण किसे कहा गया है, देखिए पाप का आवरण हो गया भाग्यवाद। ठीक है, कर्मवाद का विलोम शब्द क्या है, कर्मवाद का विलोम शब्द भाग्यवाद हो जाएगा, और क्या हो गया। ठीक है, और उपयुक्त गाद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा, तो भाग्यवाद दूसरे का शोषण करने का हथियार है, सफलता के लिए तो कर्म की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप जिनको पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ये आपको 3 नंबर पक्का करा देंगे, है ना, एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा पूरी फिलिप। यहां से ठीक है, यहां से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, तो देखो, तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो। ठीक है, तुम युवक हो काल को भी काल से दिख रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा ठीक है गलत समय चल रहा है या तुम किसी चीज से घबरा रहे हो तो उसके काल के भी काल हो तुम। ठीक है, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो, ठान लोगे तुम अगर युग नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के कलेजे चीर दोगे। उपयुक्त अध्यांश काव्यांश का शीर्षक क्या है, युवक है, युवा वर्ग क्या क्या कर सकता है, तो देखिए युवा वर्ग नए युग का सूत्रपात होता है, वहां देश को समृद्धि के रास्ते पर ला सकता है, यदि देश पर संकट आए तो वहां अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को थर्रा सकता है, बस इतना सच्चाई कर सकते हैं, थर्रा सत्र ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। युवा शत्रुओं का क्या कर सकता है, देखिए अपने शौर्य और वीरता से वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने बलिदानी तेवरों से शत्रुओं के कलेजे चीर सकता है। इसके बाद में यहां से करिए और ये यहाँ पर, ठीक है, चलिए अब यहां से हमने पद्यांशों को देखे कि महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, पहला क्या है, सबसे पहले तो 1 नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचिता कौन है, सूरदास जी, ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता, सूर के पद का क्या जाएगा आपका, सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों के कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम
दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहिन पात रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है, पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है भैया, अब आगे है कि प्रीति नदी ना में पाँव ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं। ठीक है, सुरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चीटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार, मतलब उस पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें, फिर भी उस पे एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है, ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है, कोई शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चीटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको? संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहाँ लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश, हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता है श्री इनके रचयिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपिया कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है, और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त हो इन बच्चों की तरह, इसलिए आपको जो चीज बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहां पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना। पर अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये, राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में। तो कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास है। ठीक है भैया, नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो यू कोई एक दास तुम्हारा, आयसु कहां कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करहि लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र पाहु सम रिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यूं कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे, तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है?
जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहां कि नहीं किन बोल, आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आदेश है, उसके लिए क्या आदेश है, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरिकरनी करी लड़ाई, यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है, इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है, क्या किया है, इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सोरी पुमोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है, ध्यान से समझोगे ना गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी मर्जी यार है ना, जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की, हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है, कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र भावों की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है वो सब सुन लो, यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार को मार दूंगा, यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा ये समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमान, और अपमान करते हुए शब्द का शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे जिससे अपमान हो रहा था, कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहु धनई तोरी लड़काई, कबू ना आशीष की नहीं गुसाई, यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसा ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा, ठीक है। यही धन यही धनु पर ममता कहूं के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगल कुल केतु, इस धनुष पर ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब सुनी रिसाय कह भृगल केतु, इन्हें ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, इनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोरिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार, हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है, सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको, क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी क्रोध में थे, तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक घास ही होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित मोह होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है, ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा सहस्त्र भावों की तरह दुश्मन है, ठीक है। और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए, जिस जो भी सुन लो समाज के जितने भी राजा महाराजा उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और
उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप तैयारी नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब ऐसे ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे काल, हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के कालवश होकर ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो सोई साधारण धनुष नहीं था, इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये यह पद्यांश कहाँ से लिया गया संदर्भ में, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है? राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीज आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपना लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी चमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। यहां पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है, कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, छुवत टूट टूट रघुपति न दोसु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया, मुनि बिनु बाज करई कत रोसु। अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के कोट कर रहा हूं, समझ में आ रहा लाइन क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है। ठीक है, इसमें कोई राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूटे से ही टूट गया। ठीक है, और आप बिना बिना बात कही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर तो इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है। ठीक है, बालुक बोली बालुकु बोली वधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मां नहीं मार रहा हूं और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूं, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूं। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कोई विपल बार मही देव दीनी, यानी कि मेरे इस भुजबल मैंने ही नहीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है, मैं इसमें राजा ही नहीं रहे, कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया और कितनी ही बार ये जो छत्र पृथ्वी है मैंने ब्राह्मण बामन जो रहते हैं ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दी है। ठीक है, सहस्त्र
सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। अरसु बिलोक महिप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरी, इस परसे को मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मूतो। ठीक है, यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं तीन पांच ज्यादा मत कर ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा अर्थ बोलते हैं फिर शेयर कर लेना आप, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहू देव सब धनुष से समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनु संभाले तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बाज करत हीरो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट स्वभाव ना ना जानो मोरा, मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया, केवल मुनि जड़ जान ही मोहे, केवल तुझे मैं, केवल तुझे तू मुझे वो ही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस ना। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित छत्री कुल द्रोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि बोप बिनुकिनी, विपुल बार मही देव है दीनी, मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है, और सहस्त्र भाव और विकल बार मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों के से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। और बालक है राजपुत्र, है राजकुमार, मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मात पिता ही जो नि सोच, बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही, इतना साता बटन नहीं, ऊपर की लाइनें आती है नीचे की आती भी नहीं है ना, समझ लो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी ठीक है, राम लक्ष्मण परसु संवाद, कौन से, राम लक्ष्मण परसु राम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है, बस इतना सा लिख दो तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भैया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं, यहाँ पर तीसरा आ गया ना। चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इन क्या है यहाँ पर, बोलिए ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो, महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा, ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो और पुनि पुनि मोय देखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और ठीक है डराना चाहते हो, आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो, और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा देने,
इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू, तो वो वही फिल्म यहाँ पे चल रही कि भैया यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभट माने। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि है हे मुनिवर, है ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो, तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे भूख से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाही। यहां पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल, यहाँ पर काशी जो लिखते नहीं, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है। जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए, ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहां कहां रहित अभिमाना। आपके देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है, ठीक है, कुछ कहा है। भृगुल भृगुसुत समझे उजाने बिलो कही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं जो भी तुम आप कह रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि आप भृगुकुल, आपको मैं भृगुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आप कुछ जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही, ठीक है। यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन भक्त और गाई, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण देवता भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है, बदे पापो अपकीरति हारे, मारतव पे पनही ए तुम्हारे, यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे इनको हराने पर भी, मतलब ये इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है, इसलिए मैं आपके आप इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सीधी सी बात, आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाने कठोरा। आपके जो वचन है ना, उससे व्यक्ति मर जाएगा, इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा, तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरे धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सनमणि बोले गिरा गंभीर, ऐसा सुनकर भृगुकुल के जो मुनि है वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है, चलिए क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथी, जो है आत्मकथी है, जय शंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथी नामक पाठ है, और इसके रचयिता कौन है, रचयिता जल्दी से बोलो, जय शंकर प्रसाद, ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथी की रचयिता जय शंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा कहा एक मधुप मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी, यहाँ अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तिया देखो कितनी आज घनी।
ये कह रहे हैं यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं प्रसाद जी के लिए भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज न जाने मुरझा कर आज न जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर नीचे गिर गई है। ठीक है, इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो देखोगे यहाँ गागर रहती है। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत ने कितनी वो कविताएं लिखी है लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तू भी यहाँ सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे दुखी ही पाओगे, यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है। दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं, आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली कितनी हाँ पत्तियां डाली उसे सूख कर नीचे गिर गई है, इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुखी ही आपको मिलेगा, ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रसंग क्या है, इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आप देख सकते हैं दूसरा है उज्जवल गाता कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहां वहां सुख जिसका सपन देख कर जाग गया आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो उज्जवल गाता कैसे गाऊं, कभी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं, वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है, मिला वहां सुख जो सपन देख कर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया चंद दिनों का रहा, ठीक है, जिस सुखद जीवन का सपन मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है, बहुत ही समय बर्बाद नहीं करेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे इसमें इस सारे ना कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कभी यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है साधारण है इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे, अभी समय भी नहीं और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी अभी समय भी नहीं है क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्यांश पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है।
और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा, अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया। तो अट नहीं रही दो चीजें, उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है, दो कविता है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पास ध्यान से की हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर ध्यान से हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये, है ना, कि उत्साह के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले विद्युत छाव उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं, यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो आप, तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ, घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ, बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रही लाइन, दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ, बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ, नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो, ठीक है भैया। विकल यहाँ पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, ये इसकी कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कवि बादलों को गर्ज ठीक है कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है, देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना जानता तो कंफ्यूज होगे। मैं डायरेक्ट याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो, भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में उनकी उनकी ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति, ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और जी ये मनुष्य इन्हें बेचैन है परेशान है इनको शांति दे दो, तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया, इतना कर पाओगे, संदर्भ प्रसंग भी याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नब में तुम पर पर कर देते हो आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश से भी हमारी पाठ्यपुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से कहाँ से लिया गया, कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचयिता भी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर लिखी है, उत्साह और अट नहीं रही, दो नंबर में एक नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा, ठीक है भैया। यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है, कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर
को घर को सुगंध से भर देते हो। ठीक है, इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करें। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कभी की, तो प्रकृति की जो सुंदरता थी फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कभी की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहां पर देखो यहां दंतुरित मुस्कान और फसल, दो कविता ली गई यहां पर, इनकी है ये नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है? देखिए दंत है ना कि दंत दांत, अंकुरित है ना उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत ना बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब दो साल तीन साल वाले, एक साल दे होते तीन साल। तो यहां तुम्हारी यहां दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान, धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जल जात। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी दांत नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती। अच्छा मुर्दे का संबंध क्या, देखो मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है वो मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है कि तुम्हारी यहाँ जो दंतरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात जो लोग बेचैन है उदास है उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जल जात, यानी कि धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। समझ मेरे बात को, अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है, आपकी कमल से बताई गई। देखो पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक है भैया, पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से मृतक जो है उसका, मृतक में भी जाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी तालाब में मेरी झोपड़ी खिल रहे जल जात, यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। जब हम लाइन बात करें तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान, यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघलकर पानी बन गई है। अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति में पिघल जाता है, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है कि ये जो तुम्हारी मुस्कान है इसको देखकर कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने लग पड़े सेफिला के फूल,
बास्था की बबूल, यानी कि जो बच्चे की मुस्कान आगे कभी कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर ठीक है कांटेदार चाहे बबूल हो या कोई पेड़ हो ठीक है उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहां पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे का भी कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल कर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है और अंतिम यह है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही ठीक है जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के बेबी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है कोई दिक्कत नहीं रटना नहीं मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत निदात उगते हुए बच्चे की मुस्कान छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो कवि कहता है कि मुझसे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका ठीक है मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है कोई परेशानी नहीं है मैं यह तो तुम्हारे तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारे से मैं तुम्हारे जरिए मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता मैं इससे अछूता रह जाता वंचित रह जाता। सिंपल ये तो लिखा हुआ है ना ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य चीर प्रवासी में इतर में अन्य इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलिया माँ की करती रही मधु फर्क ठीक है देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवियमान। सिंपल है कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि उन्हीं के कारण ठीक है मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला ठीक है मैं बाहर का व्यक्ति हूँ मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ परिचित नहीं हूँ तुम मुझे जानते भी नहीं हो मेरा तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती तो ठीक है वो तो तुम्हारी माँ ये जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो ठीक है वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो दांत निकालने दिखाने लगते हैं ठीक है। यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है ये सिंपल सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है फसल क्या है देखिए फसल का जो इनके रचयिता है ना वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है ठीक है दो कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी एक तो रही है दंतुरित मुस्कान उसके भी रचयिता आपके नागार्जुन है और फसल के भी नागार्जुन है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं वहां नदियों का पानी का जादू है हाथों के संपर्क की महिमा है स्पर्श की महिमा है
भूरी कादली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। देखो फसल वास्तव में क्या, कभी यहाँ पर ध्यान से मैं कह रहा है कि फसल क्या है, ये स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर में कहता है कि फसल और कुछ नहीं है, फसल और कुछ नहीं नदियों के पानी का जादू, यहीं से पूरा यहाँ से समझ में आएगा। कभी स्वयं से प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है और फिर उसके उत्तर में कहता है, खुद ही कहता है, खुद ही पूछता है साहब कि फसल और कुछ नहीं है, फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, किसानों, ये हाथों का स्पर्श मतलब क्या, किसानों की जो मेहनत है उसकी महिमा है, भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, और हवा है, इसका फसल में योगदान है। ठीक है, अर्थात फसल और कुछ नहीं, अर्थात फसल और कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना भले है ना, पर अर्थात फसल और कुछ नहीं, ठीक है, नदियों का पानी का जादू, किसानों की मेहनत, ठीक है, मिट्टी का गुण और सूरज और किरणें और हवा फसल पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, या पैदा करने में महत्व है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे जिसमें याद हो जाएगा मैंने जो बताया हो। संदर्भ क्या लिखोगे, ये आप अध्ययन से हमारी पाठ्य पुस्तक के फसल नामक पाठ से कविता से लिया गया है और इसके कवि को लेना डाकाजूर है। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन फसल में किन किन के सहयोग से पैदा होती है। अब अगला है आपका ये अध्याय 6, संगतकार मंगरेश डबराल, इनके रचिता कौन है, मंगरेश डबराल है, ये पाठ है और वो कविता है, थी ये दो। जब गायक अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चल जाता है भटकता हुआ एक आनंद अनंद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ समान, जैसे उन्हें याद दिलाता हो उनका बचपन जब वहां नौ सिखिया थे, यानी कि जब वो सीखने के लायक थे। देखो यहीं से चीज है, संगतकार का मतलब क्या है, पहले तो संगतकार का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में अपन बात करें तो जैसे एक आदमी जो है मेन आदमी जो गाता है वो हो गया, तो चार पांच आदमी उसके बगल में जो रहते हैं सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले, ठीक है, संगीत में सपोर्ट करने वाले, यानी कि आसपास बैठते हुए, जैसे मेन व्यक्ति जो कलाकार है वो माइक जिसके हाथ में रहता अधिकतर, वो तो हो गया आपका मुख्य गायक, क्या हो गया मुख्य गायक, और बाकी संगतकार क्या उसकी टीम बाकी। तो ठीक है, जब भी, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी जो मुख्य गायक है वो गाते गाते क्या है, अंतरा गाते गाते, और अंतरा गाते गाते, ठीक है, अपनी धुन से लय से जब विचलित होता है तो तभी उस समय संगीतकार जो रहता है, संगतकार वो जो रहता है वो उसको संभाल लेता है, उसकी टेक को संभाल लेता है, उसकी धुन को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ जो कार्य है ना वो कार्य तो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है जो मेन आदमी है उसका छोटा हुआ समान, ठीक है, समेट रहा है कौन, संगतकार। ठीक है, और ये उसको उस दिन की याद भी दिलाता है जब वो नौसिखिया था, नौसिखिया मतलब कि है कि वो शुरुआती दिनों में जब संगीत उसने प्रारंभ किया था गाना बजाना, तो जब वो अटकता था तो उसको संभालता था नहीं, इसी तरह वो उसको वो दिन याद दिला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि व्याख्या बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी जो मुख्य गायक है वो अंतरा गाते गाते ले के आलापों में खो जाता है, रम जाता है, जो संगतकार है उसकी टेक को संभाल लेता है और उसे सहारा दे देता है। यहाँ कार्य तो उसका ऐसा कार्य है जैसे वहां मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को अपने गायन के सीखने की उस समय को याद दिला रहा है जब उसने संगीत का सीखना ही शुरू किया था। ठीक है, तो यहां से अपन देख सकते हैं
प्रसंग की बात करें ध्यान से की तो पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कवि मंगहे मंगरेश डबराल और यहाँ पर गायक के सहयोगी संगतकार के महत्व को बताया गया है।